ये जो आप देख रहे हैं फुलवाणी फॉरेस्ट रेंज में आग लगा हुआ है, और ये वीडियो मार्च 2021 का है। उस टाइम मैक्सिमम ओडिशा का जंगल में आग लगा हुआ था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं ये आग को जैसे भी बुझाने के लिए। होप करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए बहुत जल्दी, जो कि हम लोग का जंगल के लिए और एनवायरनमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा होगा। हाय गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग लास्ट ब्लॉग में कुटपुरी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद अभी जा रहे हैं बौद्ध की तरफ, और यहीं से बौद्ध का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, जो कि हम लोग को 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। लेकिन पास में और एक सीक्रेट वाटरफॉल है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए पकड़ाझर वाटरफॉल एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे बौद्ध की तरफ। हाय फ्रेंड्स, हम लोग फुलवाणी से चारी चौक रिटर्न कर रहे थे, और उससे वहीं से हम लोग जाएंगे बौद्ध। और यहीं से हम लोग गूगल मैप देखे तो कुछ देखा, कुछ वाटरफॉल कुछ है सिर्फ NH से 2 किलोमीटर अंदर, ये थोड़ा सीक्रेट वाटरफॉल है, तो इसलिए हम लोग आ गए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। शायद ये वाटरफॉल कोई आया नहीं होगा, ऐसा कुछ साइन बोर्ड लगा भी नहीं है कि कौन सा वाटरफॉल है नहीं, तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं ये वाटरफॉल। सो फ्रेंड्स, मैं अभी वाटरफॉल पहुंच चुका हूं, और थोड़ा ट्रैकिंग करके नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ी पार्किंग हम मैं ऊपर कर चुका हूं वो सत्य बोल रहा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का जो लगेज है उनको उसको छोड़ के तो नीचे नहीं आ सकते। शायद यहाँ पे रेनी डे पे या विंटर में वाटर का फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत कम फ्लो है, यहीं पे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कुछ पानी का फ्लो है। हाँ हाँ, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा ही पानी आ रहा है। सो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैं अभी पहुंच गया हूं, कप्रझर वाटरफॉल ऐसा ही कुछ नाम है, क्योंकि जो नाम है मैं भूल गया, और ऊपर में नाम लिखा हुआ है, नीचे में कोई लिखा ही नहीं हुआ है। सो आप लोग देख सकते हैं ये वाटरफॉल है, पानी का एक्चुअली पानी का फ्लो बहुत कम हो गया है, क्योंकि अभी समर का टाइम है, और मुझे लगता है और एक डेढ़ महीने के बाद शायद पानी यहाँ पर फ्लो करना बंद हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये वाला, एक्चुअली ये बहुत ही सीक्रेट वाटरफॉल है, कहीं पे साइन बोर्ड लिखा नहीं हुआ, कहीं का आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाला वाटरफॉल है यहाँ पे। सो थोड़ा ऊपर जाते हैं, देखिए थोड़ा एक 360 व्यू में ले लेता हूँ। सो ये वाला जो कप्रझर वाटरफॉल, शायद कप्रझर कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो वाटरफॉल है ये वाला छोटा सा ब्लॉग में मैं डालूंगा, क्योंकि अभी हम लोग रात को जाके संबलपुर में रुकेंगे, और कहीं पे रुकेंगे नहीं, या कहीं पे ब्लॉग भी नहीं लेंगे। सो डायरेक्ट संबलपुर में रुकेंगे, और संबलपुर के बाद अगर संबलपुर के आसपास कुछ रहा प्लेस तो एक्सप्लोर करेंगे, वरना डायरेक्ट टू कल सुबह राउरकेला पहुँच जाएंगे।
अगर आपको थोड़ा शांति पसंद है तो ये वाला प्लेस आपके लिए बेस्ट प्लेस है। ये थोड़ा अंदर में है लेकिन बहुत ही शांति है। आप थोड़ा मतलब 15-20 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस यहाँ पे देखने के लिए। अगर बारिश के सीज़न में आते तो यहाँ पे फॉल का या वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन अभी तो मार्च के महीने में बहुत कम हो गया, सो अगले 1-2 महीने में शायद ये जो वाटर का फ्लो पूरा बंद हो जाएगा। अब बेटर रहेगा बारिश के सीज़न आइए, या नवंबर दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स आइए तो अच्छा रहेगा। सो अभी हम लोग बौद्ध की तरफ निकल रहे हैं और यहीं से बौद्ध का डिस्टेंस है 52 किलोमीटर, और हम लोग को शायद 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि घाट रोड है, जंगल रोड है, और बौद्ध में ही रात को रुकने का प्लान है क्योंकि आगे और नहीं जाएंगे, रात हो जाएगा और रात को ड्राइविंग अवॉइड करेंगे। सो बौद्ध में रुकने के बाद सुबह निकलेंगे।